पिछले वीडियो में आपने पढ़ा फायर क्या है, फायर के एलिमेंट्स क्या हैं और कितने परसेंट ऑक्सीजन चाहिए। डिटेल में उसके फ्यूल के जो एलिमेंट्स थे, फायर के एलिमेंट्स थे, उनके बारे में आपने पढ़ा। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग का वर्गीकरण। आग का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा, कैसे किया हमने, ये इस वीडियो में डिटेल में हम ये बात पढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विजय दहिया है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। फायर का क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा, क्या जरूरत पड़ गई थी हमें जो फायर का क्लासिफिकेशन करना पड़ा। आप किसी भी आग को पानी, आपको पता ही है पानी से आग बुझ जाती है, तो आप किसी भी आग को पानी से बुझा सकते थे। लेकिन जब हम फायर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल में पढ़ते हैं, तो जो फ्यूल की लिक्विड फ्यूल्स हैं उस पर आप पानी नहीं अप्लाई कर सकते। पानी अप्लाई करें तो आग घटने की बजाय बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी फायर में अगर कोई इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व, वहाँ पे आपने पानी लगा दिया, पानी उस पर अप्लाई कर दिया, तो आग बुझने बजाय आपको ही शौक लग सकता है। तो इसलिए उसको डिटेल में साइंटिफिक तरीके से आग बुझाने के लिए उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ा। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आग का जो वर्गीकरण है वो ABCD चार तरीके से किया गया। कुछ जो कंट्रीज है उसमें वो ई और एफ तक भी कर रखा है, लेकिन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स फायर का क्लासिफिकेशन ABCD चार कैटेगरी में किया गया। चलिए देखते हैं ABCD में क्या क्या आता है। आपने देख ही लिया फायर का स्टैंडर्ड जो ABCD में किया गया है। क्लास ए के आता है ठोस चीजें। ठोस चीजें वो चीजें जिसमें कोई भी अपना उसका वेट है, अपनी शेप है और वो चीज स्थान घेरते हैं, उसको हम ठोस बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा हमारे पास ठोस फ्यूल अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत सारे पेड़ हैं, लकड़ियां हैं, कूड़ा करकट, प्लास्टिक वेस्ट है, तो ये सारी चीजें सॉलिड में कंसिडर होती हैं और इसको क्लास ए में बोला गया है। जो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल है वो ठोस की सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए इसको क्लास ए में क्लासीफाई किया गया है। अब बात करते हैं नंबर दो की, क्लास बी। क्लास बी के अंदर लिक्विड जो फ्यूल्स होते हैं उसको रखा गया। जो हमारे पास सबसे ज्यादा फ्यूल अवेलेबल है वो ठोस, उसके बाद जो अवेलेबल है वो हमारे पास लिक्विड। लिक्विड फ्यूल के अंदर आपका पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, सोलवेंट्स, आपका एडिबल ऑयल, से सारे हमारे क्लास बी में क्लासिफाई किए गए हैं। क्लास बी के अंदर आप देखेंगे तो जितने भी लिक्विड हैं, जैसे कि जो एग्जांपल आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सॉल्वेंट, इसके अलावा जितने भी फ्यूल जो लिक्विड बच गए जो जल सकते हैं, वो सारे सारे क्लास बी में हमने क्लासीफाई किए हुए हैं। नंबर तीन पे है गैसेज। अब गैसेज उसके अलावा जो जितने भी फ्लेवेबल गैसेज हैं, आपकी LPG, CNG, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, बायोगैस, सब ये सारी गैसें हैं क्लास सी के अंदर क्लासिफाई की गई हैं। अब बात करते हैं क्लास डी की। क्लास डी में आते हैं मेटल्स। जितने भी फ्लेमेबल मेटल्स होते हैं जो जल सकते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारी चीजें, ये सारे मेटल्स फ्लेमेबल होते हैं, ये जल सकते हैं, इसलिए मैं क्लासिफिकेशन क्या है क्लास डी के अंदर। अब वही कहते हैं क्लास ई भी होता है, इलेक्ट्रिक फायर क्या होता है। इलेक्ट्रिक फायर कोई क्लास इन स्टैंडर्ड नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिक की वजह से जिस चीज में भी आग लगी हुई है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक की वजह से हमारे प्लास्टिक वेस्ट में आग लग गई है, बिजली के तारों में आग लगी, जब इलेक्ट्रिसिटी को हम काटेंगे तो जो भी मटेरियल उसमें बच गया वो उस क्लास की फायर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बिजली के तारों में आग है और आपने इलेक्ट्रिसिटी काट दी, तो जो मटेरियल बच गया वो हमारा सॉलिड बच गया, प्लास्टिक वेस्ट बच गया, हम उस पर पानी अप्लाई करेंगे आग बुझ जाएगी। अगर लाइव वायर पे तो हम पानी अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए बिजली के घटने के बाद जो चीज में फायर इन्वॉल्व है वो उस क्लास का क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।